जरा देखिए इनके चेहरों को, कितना दबाव पड़ रहा है इनके शरीर में। आपको अंदाजा हो जाएगा इनके चेहरे को देखकर। ये कोई और नहीं है दोस्तों, ये भारतीय वायुसेना का पायलट है। यह वह भारतीय वायुसेना का पायलट है जिन्होंने 1971 और 1999 के युद्ध और पता नहीं कहां कहां दुश्मन को धूल चटा दिया है। लेकिन आप इनके चेहरों को गौर से देखिए, इनके शरीर पर इतना दबाव पड़ता है, इतना बोझ पड़ता है जब वो ग्रेविटी को बीट करके आसमान पर गुलाचे मारते हैं, और वो भी आवाज के रफ्तार से भी तेज, यानी सुपरसोनिक गति पर। अगर आप भी भारत के वह नौजवान हैं, भारत के वह युवा हैं जो भारतीय वायुसेना में पायलट बनना चाहते हैं, आपका सपना है पायलट बनकर दुश्मन को धूल चटाना, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि पायलट बनने के लिए क्या क्या झेलना पड़ता है। जब कभी भी आप भारतीय वायुसेना के पायलट को देखते होंगे तो आपकी नज़र उसके हरे रंग के सूट पर जरूर जाती होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जेट उड़ाते वक्त पायलट हरे रंग का सूट क्यों पहन लेते हैं? क्यों इस सूट को पहने बिना दुनिया का कोई भी पायलट रफाल, मिग या सुखोई जैसे लड़ाकू विमान को उड़ा नहीं सकता? दरअसल इस सूट को जी सूट कहा जाता है, जो फाइटर पायलट को जी फोर्स से बचाता है। जी फोर्स यह वह खतरनाक बल है जिसे झेलने की काबिलियत हर फाइटर पायलट के शरीर में होनी चाहिए, वरना हवा में ही उसकी जान जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर यह जी फोर्स है क्या, जी फोर्स कैसे उससे बचाने में मदद करता है, और कैसे इस फोर्स को झेलने के लिए पायलट को बेहद ही टफ ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है, यानी क्या क्या झेलना पड़ता है भारतीय वायुसेना का पायलट बनने के लिए। भारतीय वायुसेना का पायलट किसी इवेंट में करतब दिखाते समय या जंग के दौरान बहुत ही जाबाजी के साथ उड़ान भरते हैं और अपना शानदार प्रदर्शन दिखाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह काम कितना जोखिम भरा हो सकता है? खुले आसमान में फाइटर पायलट को देखना रोमांच से भरा हो सकता है, पर यह आपको जानकर हैरानी होगी कि जब फाइटर पायलट आसमान में होते हैं तो उनके दिमाग का खून सूखने लगता है, और यह सब होता है जी फोर्स के कारण। जी फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बात तो हम सभी जानते ही है कि किसी भी चीज को आसमान में उड़ने के लिए हमें जी फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल को पछाड़ना होता है। इसका मतलब सीधा है कि जितनी ताकत से धरती आपको नीचे खींच रही है उससे अधिक ताकत के साथ आपको ऊपर की ओर जाना होगा, तभी आप ऊपर उठ पाएंगे। अब जरा सोचिए जितनी ऊंचाई पर फाइटर जेट उड़ते हैं, जितने हैरत अंगेज तरीके से करतब दिखाते हैं, उन्हें धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध कितनी गुनी ज्यादा ताकत लगानी पड़ती होगी। खैर यह ताकत मॉडर्न जेट परपल्शन इंजन तो दे ही देते हैं, पर धरती के गुरुत्वाकर्षण और जेट परपल्शन इंजन की ताकत के बीच खींचतान में पायलट के शरीर का क्या हाल होता होगा, यह आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा तो हम आपको बताते हैं। दरअसल हजारों फीट की ऊंचाई पर हवा में पायलट्स अपने प्लेन को मोड़ते हैं तो उस समय पायलट्स पर गुरुत्वाकर्षण बल का अत्यधिक असर पड़ता है। दिमाग का खून पैरों की तरफ जाने लगता है, जिसके कारण दिमाग में खून की कमी हो जाती है। दिमाग में खून की कमी के होने के कारण पायलट की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है, कई बार तो वो बेहोश भी हो जाते हैं। दोस्तों हवा में पायलट जिस जी फोर्स का सामना करते हैं वो वही है जिसे हम रोवर कोस्टर या किसी मीना बाजार वाले लगे जायंट व्हील में सवार होने के दौरान महसूस करते हैं। हालांकि झूलों में या रोवर कोस्टर में बहुत कम समय के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स को हम महसूस करते हैं, जबकि लड़ाकू विमान में पायलट्स की बॉडी पर पड़ने वाले जी फोर्स बहुत ही ज्यादा तीव्र होती है और लंबे वक्त तक रहती है। आप ये भी जान लीजिए कि हजारों फीट की ऊंचाई पर बिजली की रफ्तार उड़ान भरने के दौरान पायलट जिस इंटेंसिटी के जी फोर्स का सामना करते हैं उससे उनके शरीर पर कितने खतरनाक और अमानवीय दबाव पड़ता है। जब फाइटर प्लेन हाई एल्टीट्यूड क्लेम करता है, यानी जब उड़ान के बाद फाइटर जेट आसमान में फर्राटे भरता है, तब जी फोर्स का दबाव पायलट के शरीर पर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। इस दौरान पायलट के दिमाग में मौजूद खून तेजी से शरीर के दूसरे हिस्सों तक बढ़ने लगता है, और अत्यधिक जी फोर्स होने की वजह से पायलट का दिमाग पूरी तरह से रक्त विहीन हो सकता है, जिससे आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, बेहोश हो जाने जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। दोस्तों हाई स्पीड कार या ट्रक में जरा देर के लिए आंख लग जाने से बड़ा हादसा हो जाता है, तो सोचिए अगर फाइटर जेट का पायलट बेहोश हो जाए तो क्या होगा। एक फाइटर जेट के अंदर धरती के गुरुत्वाकर्षण से 9 गुना या उससे भी अधिक फोर्स जनरेट करने की ताकत होती है, तभी यह हजारों टन वजनी एयरक्राफ्ट धरती की सतह से हजारों मीटर ऊंची उड़ान भरते हैं और हवा में हैरत अंगेज करतब दिखाने में सक्षम होते हैं। जब यह प्लेन इस किस्म की जी फोर्स जनरेट करती है तो शरीर के हर हिस्से पर भार या वेट अपना दबाव बनाना शुरू कर देता है, जिसे झेलना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। अब सवाल उठता है कि आखिर यह पायलट जो ट्रेनिंग लेते हैं उसमें कौन सी ऐसी तकनीक होती है जिसकी मदद से पायलट्स की बॉडी धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स से 9 गुना अधिक फोर्स झेलने की काबिल बन जाती है। दोस्तों एक कामयाब फाइटर पायलट बनने के लिए पायलट को हाई जीस की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें G9 तक झेलने की ट्रेनिंग शामिल होती है। इस ट्रेनिंग के लिए एक स्पेशल मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसे पायलट सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है। इस मशीन में एक सेंट्रल शार्फ
होती है, उससे एक आर्म निकली होती है जिसके आखिरी छोर पर एक चेंबर लगा होता है और इसी चेंबर में पायलट बैठता है। जब पायलट सेंट्रीफ्यूज चालू होता है तब मशीन का सेंट्रल शाफ्ट घूमने लगता है जिसके वजह से पायलट का चेंबर भी घूमना शुरू हो जाता है। सही मायनों में इस चेंबर में जी फोर्स का सबसे तगड़ा असर दिखाई देता है। ट्रेनी पायलट की माने तो जितना जी फोर्स का सामना पायलट इस चेंबर में करता है उतना फोर्स तो फाइटर जेट में भी नहीं होता, लेकिन यह वॉर केस सिनेरियो पर बेस्ड ट्रेनिंग होती है, तो हाई जी ट्रेनिंग असल विमान उड़ाने से ज्यादा मुश्किल होती है दोस्तों। अब सवाल उठता है कि इस खतरनाक सेंट्रीफ्यूज में आखिर पायलट को क्या करना होता है जिससे वह खतरनाक लेवल के जी फोर्स को झेल सके। तो इसके लिए खास तौर पर पायलट के लिए डिजाइन किया गया है AGSM टेक्निक, एंटी जी ट्रेनिंग मैनूवर, या वो टेक्निक है जिसके जरिए पायलट को कॉकपिट के भीतर अवेक और अलर्ट रहने के तरीके सिखाए जाते हैं। इसके लिए पायलट को फेफड़े में पूरी तरह सांस भरना सिखाया जाता है, उसके बाद कंठ बंद कर लेना और कंधों के मसल और टांगों के काफ मसल को सिकोड़ लेना सिखाया जाता है। यह सब बिल्कुल तालमेल से करना होता है ताकि मस्तिष्क के खून के बहाव को पैरों के तरफ जाने से रोका जा सके, और अगर ऐसा करने से पायलट असफल हो गया यानी मैनूवर फेल हो गया तो नतीजा घातक हो सकता है दोस्तों। आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है, बेहोश हो जाना या फिर कार्डिक अरेस्ट जैसे खतरनाक मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अगर बात करें जी सूट की, जिसकी बात हमने वीडियो के शुरुआत में की थी, जी सूट मतलब ग्रेविटी सूट, पहली बार इसकी जरूरत साल 1917 में महसूस हुई थी। उसमें कई ऐसे केसेस सामने आए थे जिससे कई पायलट उड़ान के दौरान ही बेहोश हो गए थे। काफी रिसर्च के बाद सन 1940 में एंटी ग्रेविटी सूट या जी सूट की जरूरत को पूरा किया गया। उस वक्त ब्रिटेन में जंग की शुरुआत हो चुकी थी। उस वक्त इस बात का अंदाजा लगाया जा चुका था कि जंग में शामिल 30% पायलट की मौत ब्लैकआउट यानी आंखों के सामने अंधेरा छा जाने के कारण हुआ था। जी सूट न होने के कारण आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था, पायलट बेहोश हो जाता था जिससे फाइटर जेट क्रैश कर जाता था। दरअसल यह जी सूट उड़ान के दौरान खून के बहाव को कंट्रोल करने में मदद करता है। इंसान जमीन पर 1G के गुरुत्वाकर्षण को महसूस करता है और आमतौर पर इंसान 3G तक के गुरुत्वाकर्षण को झेल सकता है, लेकिन एक फाइटर क्रू ट्रेनिंग के बाद 4G से 5G तक का फोर्स झेलने में सक्षम हो जाता है। लेकिन जब फोर्स इससे ज्यादा हो तब पायलट की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे वक्त में हरे रंग का सूट यानी यह जी सूट पायलट की मदद करता है। जी सूट की वजह से खून का बहाव दिल से मस्तिष्क तक होता रहता है, वहीं यह पैरों के नसों को भी कंट्रोल करता रहता है। जी सूट पहना फाइटर पायलट 5G या इससे भी अधिक गुरुत्वाकर्षण झेल सकता है। हजारों मीटर की ऊंचाई पर दुश्मन को मार गिराना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है दोस्तों। देश के जाबाज फाइटर पायलट बनने के लिए किस तरह मुश्किलों का सामना करना पड़ता है यह बात आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों देश के ऐसे जाबाजों के लिए एक लाइक और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है। दोस्तों अभी शेयर करें इस वीडियो को ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि वायुसेना के पायलट कितनी मुश्किल परिस्थिति में रहकर भी दुश्मनों को मार गिराते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।